अस्सलामु अलैकुम। डिज़र्ट दूध दुलारी और बहुत ही टेस्टी कंडेंस मिल्क, राइस क्रीम, कलर वाली सेवियाँ, कॉर्नफ्लावर। और ये जो राइस क्रीम है, राइस क्रीम में ऑलरेडी कुक्ड राइस हैं और इसमें क्रीम है और वनीला फ्लेवर। पैन में पानी गर्म है और इसमें है ये सेवियाँ, और सेवियाँ को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा नरम हो जाए और जो सेवियों का एक्स्ट्रा कलर है वो थोड़ा सा निकल जाए ताकि वाइट कलर की दूध दुलारी बने। दूसरी साइड पर मिल्क कुक हो रहा है, इसमें अब ऐड होगा कंडेंस मिल्क और कॉर्नफ्लावर। इसको जब भी इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे लो हीट पर और साथ साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुटियाँ ना बने। इस मिल्क के यही स्टेप हैं जो कि इस डिज़र्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। कंडेंस मिल्क और कॉर्नफ्लावर को मैंने वाटर में मिक्स किए, तो साथ साथ मिल्क को मिक्स ज़रूर करना है। पहले मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क और ऐसे साथ मिक्स करना है मिल्क को ज़रूर, और मिल्क नीचे बिल्कुल ना लगे। इसको मिक्स करने के बाद अब है ये कॉर्नफ्लावर और वो इसमें मैंने ऐड कर दिया, और इसको अब मिक्स ज़रूर करना है। सारा इकट्ठे से नहीं करना, थोड़ा सा ऐड करके फिर इसको मिक्स करें और फिर ऐसे थोड़ा सा ऐड करके तो फिर इसको मिक्स करते रहें। अगर मिल्क को पहले ही बहुत ज़्यादा पका लिया जाए तो वो फिर खाने में बहुत ज़्यादा हैवी रह जाता है, तो काम को आसान करें जो है मिल्क को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। दो बॉयल भी मिल्क के काफ़ी रहते हैं। ये राइस की क्रीम जो है, राइस आप नहीं भी इसमें ऐड करते हैं तो सेवियाँ हैं तब भी बिल्कुल बहुत टेस्ट बनेगा, दोनों तरह ही बना सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है कंडेंस मिल्क के बाद राइस क्रीम। सेवियों को ज़्यादा देर कुक नहीं करना, बस थोड़ी सी देर कि ये थोड़ा सा ही इसका जो कलर है निकल जाए, और अब आप इसको सेवियों को छान लें। मिल्क जिसमें कंडेंस मिल्क राइस क्रीम है, इसमें मैंने ये अब ऐड कर दी हैं सेवियाँ। सेवियाँ ऐड करके इसको ऐसे स्टेयर ज़रूर करना है, और ये कि मिल्क नीचे ना लगे, सेवियाँ नीचे ना लगें, राइस नीचे ना लगे। अगर राइस नहीं भी ऐड करते तब भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो मिल्क की कुकिंग की है। इस मिल्क को लो हीट पर 5 मिनट तक कवर करके पका लें ताकि जो सेवियाँ हैं वो अच्छे से इसमें नरम हो जाएं। और इसको ऐसे बहुत ज़्यादा मिल्क को स्टार्ट में नहीं पकाना ताकि मिल्क पहले ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर जो कि मिल्क को थिक करेगा, और मिल्क का जो टेस्ट है वो भी एक हाजमे वाला बनेगा क्योंकि मिल्क पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर कुक नहीं किया गया। मिल्क को ऐसे पकाते हुए फुल क्रीम जो मिल्क होता है और फिर जब इसमें कंडेंस मिल्क ऐड हो जाता है तो वो फिर इसमें और एक खोए की तरह इसका एक फ़्लेवर आ जाता है। अगर खोया ऐड करना हो तो मिल्क में अभी इसमें मिक्स करके बिल्कुल ऐड ना करें। जब हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा सा खोया मिलता है, जब बिल्कुल ये ठंडा हो जाए, सर्विंग का टाइम हो, तो तब खोया इसमें ऐड हो सकता है और बहुत ही अच्छा उससे फ्लेवर आएगा। मिल्क में मैंने अब ऐड किया है इलायची का पाउडर, और इससे बड़ी अच्छी खुशबू है। इलायची का दाना नहीं है, ये इलायची का पाउडर है। अगर इलायची का दाना ऐड करना हो तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। और ये बिल्कुल एंड पे जब सारा ये रेडी हो जाए तो तब फिर अब इसमें मैंने ये ऐड किया है इलायची का पाउडर। अब मैंने ये सारा जो है मिल्क, इसको मैंने बाउल में निकाल लिया और इसको ऐसे स्टेयर करके इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। थोड़ी देर बाद फिर इसको मिक्स कर लें ताकि ये सही से ठंडा हो जाए फ्रिज में रखने से पहले, और इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। ये डिज़र्ट जितनी ज़्यादा ठंडी होगी खाना उतना ही अच्छा लगेगा। ये सारे फ्रूट और सारे नट्स इसमें तब ऐड होंगे जब ये मिल्क बहुत अच्छा सा ठंडा होगा। और मिल्क को आप एक दिन पहले बना कर रख सकते हैं सेवियों के साथ, नेक्स्ट डे इसमें फ्रूट और नट्स, फ्रेश फ्रूट और नट्स इसमें ऐड करें। ये है एप्पल जो कि बहुत ही बारीक कट होना चाहिए, मिल्क के साथ बारीक एप्पल ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये बुज़ुर्गों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है खाने में क्योंकि ये एक लिक्विड में खाया जा रहा होता है और साथ में इसमें होते हैं फ्रूट। ये जो टीन वाले फ्रूट हैं इसमें से मैंने इसका जो जूस है वो सारा निकाल दिया है, सारे मैं इसमें फ्रूट ऐड कर रही हूँ।
एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, मैंगो अगर इसमें ऐड करें तो बिल्कुल टॉप पर, अगर मिक्स इसमें करने हो तो पीसेस में, पेस्ट में नहीं। बनाना, ये फ्रूट के साथ इतनी हाजमे वाली बनती है कि जब अगर हम इसको अगर मिठाई में बनाएं तो वो इतना नहीं खाई जाएगी, लेकिन अगर हम इसको फ्रूट में बनाए जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक आपके खाने में भी और गेस्ट टाइम भी और घर में भी एक पता लगता है कि कोई एक चीज़ बड़ी मेहनत से बनाई गई है। सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट स्वीट है वो ये मैंने आप सबसे शेयर की है, और अगर हो सकता है मेरे बोलने या मेरे बताने में कोई लफ्ज़ सही मैं नहीं बता सकी, लेकिन मैंने इसके जो इसकी नॉलेज इसके पॉइंट थे मैंने सब इसमें शेयर किए हैं। अब इन फ्रूट को एक से अब हाफ इसमें ऐड होगा ये जो बनाया है मिल्क, और ये बहुत ठंडा है, सब इसमें इकट्ठे से ऐड नहीं करें फ्रूट मिक्स करके, तो फिर इसमें और ऐड कर सकते हैं। आप इसको अलहदा बना कर रख सकते हैं, जैसे कि अगर खाने का टाइम है बच्चों को देना है तो फ्रूट कट किए और उसमें मिक्स करके दे दिया। तो ये हम बना रहे हैं गेस्ट के लिए, तो इसमें मैंने जैसे कि कुछ घंटे पहले मैं बना रही हूँ ताकि ये अब इसमें मिक्स होकर और इसको थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाए। मिल्क पहले से भी ये जो बनाया है सेवियों के साथ इसको पहले भी मैंने ठंडा किया है, तो अब जब मैंने इसमें ये मिक्स कर दी है तो अब ये इसका लिक्विड सही है। ड्राई नट्स, इसमें ये है बादाम और ये ऐसे ही ऑलरेडी कट किए हुए मिलते हैं शॉप से, किशमिश ब्लैक वाली, और साथ में है ये चिलगोजे। ये जो सारे नट्स हैं ये इतने ऐसे बारीक हैं कि अगर हम फ्रूट के साथ भी मिक्स करके खाएंगे तो इसका ऐसे नहीं होगा कि खाने में थोड़ा ज़्यादा हज़म नहीं होंगे। अगर नट्स आपके पास हों और उसको आप चॉप कर लें, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस ना हों। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत से बनाया है, और मैं जब भी इसको बनाती हूँ तो मैंने बहुत टाइम लगाकर इसके जो भी मेरी इससे गलतियाँ थी मैंने इसको ठीक की हैं, और फिर मैंने आप सबसे ये शेयर किया है क्योंकि मैंने बहुत बार इसको बनाया है। और फिर बनाने के बाद मिल्क को ज़्यादा जैसे थिक ना हो जाए, कंडेंस मिल्क का टेस्ट जो इसमें है वो इतना ना रहे, गुटलियाँ ना बने, ये सारी चीज़ें फिर मैंने देख के आप सबसे ये शेयर किया। और ये चेरी, ग्लेस वाली चेरी हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आती हैं ये। अब इसको और ठंडा कर लेंगे कुछ घंटे के लिए, क्योंकि जितना ठंडा होगा उतना ही अच्छा लगेगा। ड्राई कोकोनट के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। एक तो इसकी लुक बड़ी प्यारी हो जाएगी, ऊपर से वाइट जो इसकी लुक है, और फिर इसमें जो ड्राई कोकोनट का फ्लेवर है बाकी चीज़ों के साथ वो बहुत ही बेस्ट जाएगा। और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि ये बहुत अच्छी डिज़र्ट बनती है। अब ये फ्रिज में, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।